18 का अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। डिस्क्राइब द इंसिडेंट द इंटेलेक्चुअल साउथ दैट मेड द अदर अप्रिशिएट द प्लेस ऑफ रिलीजियन इन इंडियन लाइफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन दीर्घ उत्तरीय के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द इंसिडेंट, उस घटना का वर्णन कीजिए जो इंटेलेक्चुअल्स के घर पे हुई, मतलब उस बुद्धिजीवी के घर पे हुई। ठीक है, बुद्धिजीवी के घर हुई उस घटना का वर्णन कीजिए, दैट जिसने मेड मतलब कर दिया द अदर लेखिका को अप्रिशिएट, मजबूर कर दिया प्रशंसा करने के लिए द प्लेस ऑफ रिलीजियन के धर्म का जो स्थान है इंडियन लाइफ में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से लेखिका प्रशंसा भी करने लगी। तो वो कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से लेखिका ने प्रशंसा कर दी, जो भारतीय जीवन में धर्म होता है उसकी प्रशंसा कर दी। तो क्या होता है, लेखिका ने निरीक्षण किया कि धर्म भारतीय जीवन में अभी भी उपस्थित था, ऐसा उसने निरीक्षण किया। कैसे, जब वह अपने मेजबान के घर में थी तो उसके जेठ वहां आए, ठीक, उनसे बिना बोले, जो जेठ आए थे उनसे बिना बोले वह नंगे पैर कमरे के दूसरे छोर की ओर विनम्रता पूर्वक चले गए और फिर वहां उन्होंने क्या किया, 15 मिनट तक घुटने टेक कर प्रार्थना की। और मेजबान ने जब उन्हें बताया कि वह प्रेयर टाइम के दौरान ही वहां आते हैं, ठीक है, क्यों आते हैं, क्योंकि चूंकि उनका स्वयं का घर जो है उनके व्यापारिक स्थल से काफी दूरी पर है, जिस वजह से वो घर पे कभी कभार ही आ पाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक एक लाइन को आप अच्छे से समझते चलेंगे। सबसे पहले द अदर लेखिका ने, और फिर निरीक्षण किया, जो होता है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना। तो सबसे पहले लिखा द अदर लेखिका ने ऑब्जर्व, निरीक्षण किया दैट की, और धर्म मतलब द रिलीजियन, धर्म जो होता है रिलीजियन, और फिर वाज सहाय क्रिया लगाई, और फिर ईवर प्रेजेंट मतलब अभी भी उपस्थित है, ईवर मतलब अभी भी, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है। ठीक है, तो द अदर ऑब्जर्व्ड, निरीक्षण किया दैट द रिलीजियन ईवर प्रेजेंट, वाचक क्रिया लगा के ईवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ मतलब भारतीय जीवन में, ये लिखा है इन इंडियन लाइफ भारतीय जीवन में। तो द अदर ऑब्जर्व्ड, निरीक्षण किया दैट द रिलीजियन वाज ईवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। ठीक, वो कैसे, व्हेन सी, जब हुआ है, व्हेन सी जब वह वाज सहाय क्रिया और फिर घर मतलब, तो व्हेन सी जब वह वाज सहाय क्रिया इन द हाउस मतलब घर में थी ऑफ हर होस्ट मतलब अपनी मेजबान के, व्हेन सी जब वह इन द हाउस घर में थी ऑफ हर होस्ट अपने होस्ट के अपने मेजबान के घर में थी, व्हेन सी वाज इन द हाउस ऑफ हर होस्ट, तो उसके जेठ, ठीक है, उसके उसके मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा उसके मतलब जिसके घर में वो रुका रुकी हुई थी लेखिका, तो हर मतलब उसके और जेठ कहलाते हैं। ठीक है, पति का बड़ा भाई कह सकते हैं, मतलब हस्बैंड का इल्डर ब्रदर, हस्बैंड से इल्डर ब्रदर कहा जाता है जेठ को, हस्बैंड से इल्डर ब्रदर, तो हर हस्बैंड से इल्डर ब्रदर, और फिर केम मतलब आए और देयर मतलब वहां आए। जेठ के लिए याद रखेंगे पति का बड़ा भाई, पति मतलब हस्बैंड अपोस्ट्रोफ एस, और इल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई। तो कैसे लिखा, व्हेन सी जब वह इन वाचक क्रिया इन द हाउस ऑफ हर होस्ट, तो हर हस्बैंड से इल्डर ब्रदर ओ केम देयर, वहां आए, ठीक है, और उनसे विदाउट स्पीकिंग टू देम, उनसे बिना बोले, विदाउट स्पीकिंग बिना बोले टू देम, उनसे उनसे बिना बोले ही मतलब वह है, ठीक है ना, ही मतलब वह है। ही मूव्ड, मूव्ड मतलब चले गए, ठीक है ना, मूव्ड मतलब चले गए, और ग्रेसफुली मतलब विनम्रता पूर्वक चले गए, और फिर टू द अदर एंड, दूसरा छोर, टू मतलब की ओर होता है, तो टू द अदर एंड दूसरा छोर ऑफ द रूम मतलब कमरे का, और वो भी वेयर फुट, नंगे पैर, वेयर फुट होता है, ठीक है। तो विदाउट स्पीकिंग टू देम, विदाउट स्पीकिंग बिना बोले टू देम, उनसे
ही मूव्ड, वह चले गए ग्रेसफुली, विनम्रता पूर्वक ढंग से, टू द अदर एंड ऑफ द रूम, बेयर फुट, मतलब नंगे पैर, और देयर, वहां उसने, मतलब ही उसने, तो देयर ही, वहां उसने, देयर ही, वहां उसने, ठीक है, घुटने टेक कर प्रार्थना की, नेल्ट एंड प्रेड, घुटने टेकना नेल होता है, तो नेल एंड प्रेड, घुटने भी टेके और प्रार्थना भी की, फॉर और 15 मिनट तक, तो फॉर 15 मिनट से लिख दे। तो कैसे, सबसे पहले लिखा देयर ही, वहां उसने, उसने मतलब उनके जेठ की बात हुई है, देयर ही नेल्ट एंड प्रेड फॉर 15 मिनट्स, और फिर जब उसने मेजबान से पूछा, तो मेजबान ने, मतलब द होस्ट, मेजबान ने, द होस्ट मेजबान ने टोल्ड, मतलब बताया, टोल्ड दे, टोल्ड हर, उसे बताया, तो द होस्ट मतलब मेजबान ने टोल्ड, बताया हर, उसे बताया, दैट की, दैट की, वह मतलब ही, ठीक है, ही वह कैम आते थे, देयर वहां आते थे, ड्यूरिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, के वह वहां केवल प्रेयर टाइम के दौरान आते थे, तो ही मतलब वह, ठीक है, ही केम देयर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, वह वहां केवल प्रेयर टाइम के दौरान आते थे, तो मेजबान ने, मतलब द होस्ट मेजबान ने टोल्ड हर, उसे बताया, दैट, और फिर लिखा हमने ही केम देयर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, वह वहाँ केवल प्रेयर टाइम के दौरान ही आते थे, तो कैसे बनाया गया देखते हैं, इतनी लाइन रिपीट करते हैं, द अदर ऑब्जर्व्ड दैट, द अदर ऑब्जर्व्ड दैट द रिलीजियन वाज इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, इन इंडियन लाइफ क्वेश्चन में लिखा है, इन इंडियन लाइफ, तो द रिलीजियन वाज इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, व्हेन सी, वैन सी वाज इन द हाउस ऑफ हर होस्ट, वैन सी वाज इन द हाउस ऑफ हर होस्ट, तो हर जो है, हस्बैंड सील्डर ब्रदर केम देयर, वहां आए, हर हस्बैंड सील्डर ब्रदर केम देयर, वहां आए, और फिर विदाउट स्पीकिंग टू देम, उनसे बिना बोले, विदाउट स्पीकिंग टू देम ही मूव्ड, वह चले गए ग्रेसफुली, विनम्रता पूर्वक ढंग से चले गए, टू द अदर एंड, दूसरे छोर ऑफ द रूम, कमरे के, और बेयर फुट, नंगे पैर, तो विदाउट स्पीकिंग टू देम, विदाउट स्पीकिंग टू देम ही मूव्ड ग्रेसफुली टू द अदर एंड ऑफ द रूम, बेयर फुट, और देयर ही, वहां उन्होंने, उसने मतलब जेठ ने, तो देयर ही नेल्ट एंड प्रेड, देयर ही नेल्ट एंड प्रेड फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, और द होस्ट टोल्ड हर, द होस्ट टोल्ड हर दैट ही केम देयर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, तो मेजबान ने, मतलब द होस्ट टोल्ड हर, उसे बताया, दैट ही वह केम देयर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, सिंस, चूंकि, सिंस हिज ओन हाउस, उनका स्वयं का घर, हिज ओन हाउस, सिंस हिज ओन हाउस, चूंकि उनके स्वयं का घर, वह साय क्रिया लगा के सम डिस्टेंस, काफी दूरी पर था, सम डिस्टेंस, काफी दूरी पर था, सिंस हिज ओन हाउस, चूंकि उनका स्वयं का घर, वह साय क्रिया लगा के सम डिस्टेंस, काफी दूरी पर था, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, उनके व्यापार स्थल से, व्यापारिक स्थल जो होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हिज, चूंकि सिंस हिज ओन हाउस, उनका स्वयं का घर, वाज सम डिस्टेंस, काफी दूरी पर था, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले लिखा हमने द अदर ऑब्जर्व्ड दैट, द अदर ऑब्जर्व्ड दैट द रिलीजियन वाज साय क्रिया लगा के ही वर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, व्हेन सी इन द हाउस वाज साय क्रिया इन द हाउस ऑफ हर होस्ट, हर हस्बैंड सील्डर ब्रदर केम देयर विदाउट स्पीकिंग टू देम ही मूव्ड ग्रेसफुली टू द अदर एंड ऑफ द रूम बेयर फुट, देयर ही नेल्ट एंड प्रेड फॉर 15 मिनट्स, द होस्ट टोल्ड हर दैट ही केम देयर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, सिंस हिज ओन हाउस वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले लिखा द अदर ऑब्जर्व्ड, लेखिका ने निरीक्षण किया दैट
रिलीजियन जो धर्म है वाज ईवर प्रेजेंट, अभी भी उपस्थित है इन इंडियन लाइफ, ठीक है। व्हेन सी वाज इन द हाउस ऑफ हर होस्ट, तो हर हस्बैंड सीलर ब्रदर उसके जेठ जो है केम देयर, वहां आए और विदाउट स्पीकिंग टू देम, और ही मूव्ड वह चले गए ग्रेसफुली टू द अदर एंड ऑफ द रूम बेयर फुट, और देयर ही वहां उसने नेल्ट एंड प्रेड फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। और फिर इसके बाद मेजबान ने मतलब द होस्ट टोल्ड हर, उसे बताया दैट ही केम, वह आते थे, ठीक है, देयर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, केवल प्रेयर टाइम के दौरान ही वहां आते थे, सिंस चूंकि हिज ओन हाउस उनका स्वयं का घर वाज सम डिस्टेंस, काफी दूरी पर था, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, उनके बिजनेस का जो स्थान था उससे कुछ दूरी पर था, तो लिखा सिंस चूंकि हिज ओन हाउस उनका स्वयं का घर वाज सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस।